प्यारी मीनू, पता है आज स्कूल में ही मेरे पीरियड्स शुरू हो गए, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। एक दिन तुम्हें भी पीरियड्स आएंगे, तब मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, जैसे भारती दीदी ने हमें बताया था पीरियड्स के बारे में और बच्चे कैसे बनते हैं, और हाँ लड़कों के बारे में भी। मेरी क्लास में एक लड़का है विनोद, वो भी भारती दीदी की क्लास में आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। प्यारी मीनू, आज बहुत बुरा लग रहा है। पापा कल शाम को पीकर आए थे और मम्मी को बहुत मार रहे थे। जब मैंने भारती दीदी को ये बताया तो उन्होंने कहा कि मम्मी और पापा काउंसलिंग ले सकते हैं और मम्मी पुलिस के पास भी शिकायत कर सकती हैं। तो मैंने पापा को काउंसलिंग जाने के लिए समझाया, पर विनोद पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यारी मीनू, आखिर मैं पापा और मम्मी मान ही गए विनोद और मेरी शादी के लिए। विनोद बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल रखता है, मैं बहुत खुश हूँ। पर मैंने उसे बता दिया है कि पहले मुझे स्कूल टीचर बनना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी। तो मैंने उसे बोल दिया कि जैसे भारती दीदी ने कहा था, हमें कॉन्डम्स यूज करने चाहिए। वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा डैडी बनेगा। प्यारी मीनू, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियां हो रही थी, पर अब मैं समझी क्यों, क्योंकि तुम मेरे अंदर पल रही हो। तो भारती दीदी ने मुझे अच्छी तरह समझाया है कि क्या खाना चाहिए तुम्हारी देखभाल के लिए। मैं पौष्टिक चीजें खा रही हूँ और डॉक्टर के पास भी ठीक वक्त पर जा रही हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी मेरी लाडली बेटी। प्यारी मीनू, शुक्र है कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जब भारती दीदी ने कहा कि मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, मैं तुरंत उनसे मिली और पता किया कि तुम्हें क्या क्या खिलाना चाहिए। हम दोनों की खूब जमेगी, तुम्हारे बोलने और खेलने कूदने का इंतजार है बस। बहुत सारा प्यार, तुम्हारी माँ।